Good morning, students. Welcome to the session 5 from the chapter of electric potential and capacitance. The topic is equipotential surface. अब यहाँ पर मैंने एक सरफेस बनाया हुआ है जिस के आई हैव प्लेस्ड वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस सरफेस एट दिस पॉइंट ओ. नाउ दिस ये जो सरफेस है आपका, दिस सरफेस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कंसेंट्रिक सरफेसेस which will be at a certain distance from this point O. ठीक है ना. हर ये जैसे यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ दो सर्फेस बनाए हुए हैं, बट there will be many surfaces. ऐसे करके बहुत सारे surfaces होंगे which will be at a certain distance from this point O. और इस point O पे मैंने एक unit positive charge plus Q रखा हुआ है. So इस positive charge की वजह से since it is a positive charge, so the electric field lines will be directed outward. इस प्रकार से जाएंगी बाहर की तरफ. ठीक है, ऐसे होंगी लाइक दिस. ठीक है, सो दीज आर द फील्ड लाइंस, और यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज. ठीक है, सो दीज फील्ड लाइंस का क्या, इनका जो डायरेक्शन है क्या होगा. आप किसी भी एक सरफेस को ले लीजिए. फॉर एग्जांपल, हियर मैंने दो सरफेसेस को यहाँ पे शो किया है. That is, I have designated this surface as A and the this outer one as B. तो अब इस surface के ऊपर पे अगर हम कोई point लेते हैं, मान लीजिए वाला point है, तो this electric field will be perpendicular to this surface. Means it will be perpendicular. It is directed outward and it will be perpendicular to any point on any of this surface and एंड ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, नाउ दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन ए सरफेस, यू कैन सी लाइक दिस वन, विच इज हैविंग ए, लेट अस से इट इज एट, आई हैव मेड इट लाइक दिस ओएस, दिस ओएस यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है लेट ओएस इज इक्वल टू आर. सो ये कहने मतलब ये है कि दिस इज द सर्किल विच इज हैविंग अ रेडियस ऑफ आर. ये आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका रेडियस हो गया आर. ठीक है, तो इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा. क्यों सेम होगा? बिकॉज पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि 1/4πε0 इंटू क्यूब डिवाइड बाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दिस चार्ज. सो अब यहाँ पर क्या है कि इस ये अगर हम सरफेस ए लेते हैं, और दिस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ आर. ठीक है, दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ आर. सो द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस ए विल बी इक्वल. वही तो ये है कि हो गया, ये इसकी डेफिनेशन है. दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद ए कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, विद अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट. अब यहां पर मैंने क्या, एक सरफेस है जिसपे मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है. नाउ इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे कंसेंट्रिक सरफेसेस होंगे, सो दे विल बी एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज. तो वो जितने भी सरफेसेस होंगे उनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा. अब ये वाला जो सरफेस ए है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उसका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. तो यहाँ पे आर कांस्टेंट है, कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे ये आर कांस्टेंट रहेगा. सो इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम होगा. इसी प्रकार अगर बी है, अब बी में मैंने ये जो सर्फेस है इसका जो मैंने डिस्टेंस लिया हुआ, लेट ओ आर इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर, ये मैंने ले लिया था. ये तो डिस्टेंस होगा, ये तो आर ले लिया था मैंने, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैंने ले लिया था R प्लस डेल्टा R, R प्लस डेल्टा R. सो इन दिस वे ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, दैट इज नाउ दिस R इज अ पॉइंट ऑन दिस सरफेस B एंड S इज अ पॉइंट ऑन अ दिस सरफेस A, एंड RS इज द दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. दैट इज ये जो आर एस है, आर एस इज इक्वल टू व्हाट, आर एस विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर, विच इज आर प्लस डेल्टा आर
माइनस आर हो गया, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर. और डेल्टा आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, दैट इज आर एंड एस. आर इज अ पॉइंट ऑन द सर्फेस बी एंड एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ए. ठीक है, अब यहां पे देखिए, लेट अस कंसीडर कि अब हम एक कोई लेट अस से देयर इज ए आई हैव देयर इज वन चार्ज क्यू. ठीक है, नाउ देयर इज वन चार्ज क्यू व्हिच इज यू कैन से दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू, जो कि ये यहां पर प्लेस्ड है आर पे और इट इज ब्रॉट टू दिस पॉइंट एस. ठीक है, बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, सो एंड दिस इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको भी मैंने मान लिया है. और एक मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट आर से एस पे लेके आता हूँ बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स इसलिए लगानी पड़ेगी बिकॉज दोनों दी बोथ दीज चार्जेस आर पॉजिटिव इन नेचर, सो इनके ऊपर एक दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दो दैट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा. तो जब वो बाहर की तरफ होगा, सो वी इफ वी वांट टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट आर टू एस, वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ऐसे लगाएंगे एफ एक्सटर्नल, इसको मैं लिख सकता हूँ. सो व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एंड व्हेन वी ब्रिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आर टू एस हियर, देन सम वर्क विल बी डन. नाउ वर्क का जो डेफिनेशन है, हमको पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. ठीक है, सो अभी अगर ये आपका ये दिस इज अ यूनिट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट आर, और इसको हम अगर एस पे लाते हैं, तो यहाँ पे अगर बिकॉज इफ इट इज अ यूनिट चार्ज देन इट दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस वी, और वी कैन से दिस इज द विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. वी क्या है, वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस, ये दो पॉइंट्स है. आर इज अ पॉइंट ऑन द सर्फेस बी एंड एस इज द पॉइंट ऑन द सर्फेस ए. ठीक है, नाउ वी सो वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस, दैट इज इक्वल टू क्यू विच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. नाउ दिस वर्क डन in this case will be equal to q is because it is a unit positive charge, so this will be equal to v, which is equal to the this is the potential difference between the point that is r and s. Ab we also know that work done is equal to F into D, ठीक है, where F is the this is the external force which we are applying and D is the it is a displacement of this charge. तो displacement of this charge क्या है मेरा, this is delta R. So F क्या है, F is equal, हमको पता है Q into E होता है, Q into E into displacement यहाँ पे इस केस में हो गया delta R. ठीक है, ये वर्क डन हो गया. और वी कैन से दैट दिस नाउ यहां पर सिंस दिस इज अ यूनिट चार्ज, सो इट विल बी इक्वल टू ई इनटू डेल्टा आर. ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पर क्या है, मेरा वर्क डन जो आया है दिस इज इक्वल टू क्यू इनटू वी है, एंड सिंस दिस इज अ यूनिट चार्ज है मेरा, so work done will be equal to the potential difference between these two points. So we can simply write that ye is equation se aur is equation se we can simply write that yahan pe likh lete hain, simply write that work done jo hai this is equal to v, that is the potential difference, or we can also write it as delta v which is equal to e डेल्टा आर.
ठीक है. सो और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन दिस डेल्टा आर. ठीक है. सो द इंटेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी रिटन एज द चेंज इन दिस पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस चार्ज. डिस्प्लेसमेंट यहाँ इस केस में डेल्टा आर है. ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव गॉट अनदर फॉर्मूला दैट इज ई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें और ध्यान में रखनी है. इस डायग्राम से अगर आप देखेंगे कि दी दिस आई विल जस्ट राइट इट हियर. That the direction of electric field is in the direction in which the potential decreases. ठीक है. ये आपका इंपॉर्टेंट. ये ई का डायरेक्शन इधर है. ठीक है. एंड ई जो है ई इज द वैल्यू ऑफ द ई विल डिक्रीज एज वी जैसे यहां पे आप देखिए व्हेन जैसे जैसे हम इस चार्ज ये आपका मींस ये जो डायरेक्शन है ये जो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दिस इज इन दिस डायरेक्शन है. और आप ये देखेंगे जो इसमें लिखा है द डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल. तो जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा ये देखिए वैसे वैसे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है. लेट अस से यहाँ पे पोटेंशियल वी है. ठीक है. लेट अस से यहाँ पर पोटेंशियल वी है. तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे कहीं पर दूर दैट विल बी समवॉट इट विल लेस देन दिस. लेट अस से मैं कहता हूँ वी माइनस डेल्टा वी हो गया. यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट पे वी है तो इस पॉइंट पे ऊपर वी कुछ कम हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू वी माइनस बिकॉज आर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है. दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द चार्ज इज इंक्रीजिंग. सो पोटेंशियल जो है जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो वही चीज मैंने यहां लिखी हुई है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग. ठीक है. तो ये एक आपका यहां से जो एक इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है. सेकेंड थिंग क्या है कि आपका जो E है E इज इक्वल टू यहाँ से जो हमने जो फॉर्मूला निकाला है दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R हो गया. एंड और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज दैट डेल्टा V दैट इज द चेंज इन द पोटेंशियल इज ऑल्सो इक्वल टू E इंटू डेल्टा R. ठीक है. So, in this session, I just wanted to give you a brief introduction on this equipotential surface. That is, an equipotential surface is a surface on which the potential is the same at all the points. ठीक है. और जैसे जैसे हम इस चार्ज से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे जो है potential decrease होता है. Second point, the potential, the electric field जो है बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड है.
and in this case the direction of this electric field is in the direction in which the potential is decreasing. So this was a short this session on this topic, and in the next topic I will be discussing about the this dielectric and the polarization. So thank you very much, and thank you for joining, and have a nice day. See you soon. Bye.